हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 6th of July 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड के ऊपर। विप्रो की तरफ से एक नहीं बल्कि दो दो बड़े बड़े न्यूज़ आ चुका है और उसके साथ साथ 15th of July जो कि विप्रो के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है 15th of July, इस वीडियो में हम जानेंगे। और उसके साथ साथ विप्रो के अंदर आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है उसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि विप्रो का शेयर लास्ट कुछ दिनों से हमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज है 6th of July 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी इंडिया के अंदर विप्रो लिमिटेड, जिसके ऊपर मेरा पहले भी खरीदारी करने का राय था जब शेयर प्राइस 400 रुपए के आसपास चला आया था क्वार्टर फोर रिजल्ट की पहले, तभी मैं आपको खरीदने के लिए राय दिया था। आज भी मेरा राय सेम जारी है। दोस्तों, विप्रो की शेयर कुछ टाइम पहले ही 550 के ऊपर 560 के आसपास अपना 52 वीक्स हाई लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 564 रुपये। उसके बाद से विप्रो के शेयर के अंदर में लगातार करेक्शन देखने को मिला। तो दोस्तों, इनमें अभी इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि क्या करें, क्योंकि लगातार इसके अंदर में गिरावट देखने को मिला। आज भी एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला, ऐसे हर रोज 2-3 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी प्राइस लेवल पे शेयर है, चाहे 450, चाहे 400 या 550 पे, आप यहाँ पे आँख बंद करके होल्ड करें। उसके पीछे क्या रीज़न है, सपोर्ट लेवल टारगेट हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 15th of July क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ। जैसे कि आपको पता है 14th of April विप्रो का एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM होने वाला है ठीक उसके नेक्स्ट डे। जी हाँ दोस्तों, विप्रो का Q1 यानी जून क्वार्टर का रिजल्ट आउट होने वाला है 15th of July 2021। 14th of July विप्रो का AGM है और उसके साथ साथ इन्फोसिस का भी Q1 का रिजल्ट आउट होने वाला है ठीक उसके नेक्स्ट डे 15th of July। डेट आप पेपर पेन में लिख लीजिए आप अगर शेयर होल्डर है, क्योंकि इस दिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है विप्रो की शेयर होल्डर के लिए। और आप बस चैनल को साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। जब भी मुझे विप्रो का Q1 का रिजल्ट मिल जाएगा, फटाफट मैं आपको वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। लास्ट कुछ टाइम पे आप बात करते हो, देखिए यहाँ पे डिविडेंड भी दिया था, बट इस क्वार्टर में विप्रो ने कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहा है अपने शेयर होल्डर को। तो दोस्तों, 14th of July बहुत इंपॉर्टेंट विप्रो के लिए AGM है, उसके साथ साथ 15th of July वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है विप्रो के लिए, क्योंकि विप्रो का Q1 का रिजल्ट आउट होने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि विप्रो के शेयर के अंदर अभी कभी भी बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट उसके पहले एक बहुत बड़ा न्यूज़ भी सामने आ चुका है जो कि विप्रो की मैनेजमेंट को लेके यहाँ पे न्यूज़ छपा है। यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट में देख सकते हो, ये आज की डेट का न्यूज़ है सुबह 12 बजे के आसपास। ग्रीन शॉट्स इन विप्रो अंडर थियरी डेलापोर्टे विप्रो का करेंट CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बट एग्जीक्यूशन इज द की इन कमिंग क्वार्टर्स। जी हाँ दोस्तों, ये है विप्रो का जो करेंट CEO थियरी डेलापोर्टे, तो इनके तरफ से एक और मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी तारीफ किया गया है मनी कंट्रोल के द्वारा या एक्सपर्ट्स की द्वारा, क्योंकि विप्रो की अगर पहले की बात करें तो विप्रो जब से यहाँ पे मतलब CEO बना है थियरी डेलापोर्टे, उसके बाद से विप्रो के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रहा है। जैसे कि विप्रो की लास्ट क्वार्टर में भी हमें करीबन $8 बिलियन के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था यहाँ पे 4th क्वार्टर में, जो कि लास्ट 10 साल का हाईएस्ट, इतना ज़्यादा रेवेन्यू कभी नहीं जनरेट हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी ने कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कैपको को एक्वायर किया था लगभग $1.45 बिलियन के लिए, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक रहा मैनेजमेंट का। उसके बाद अगर हम बात करें विप्रो, कुछ टाइम पहले जब 550 के ऊपर चल रहा था तब विप्रो का जो मार्केट कैप वो करीबन 3 लाख करोड़ के ऊपर चला गया था, जो कि इंडिया के अंदर थर्ड ऐसे आईटी कंपनी बना TCS एंड इन्फोसिस के बाद, जो कि 3 लाख करोड़ का जो बेंचमार्क है उसे क्रॉस कर पाया। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर ही तारीफ किया है कि विप्रो अभी आगे और भी ज़्यादा शाइन करेगा और भी ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे
लेगा और उसका इफेक्ट हमें सीधा सीधा इसका जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल रिजल्ट है, उसके ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो विप्रो या इंफोसिस कोई भी आईटी सेक्टर की कंपनी को आज की डेट में इतना ज़्यादा फायदा इसलिए मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका जो 95% एम्प्लॉइज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। और वर्क फ्रॉम होम करने से क्या होता है कि उनका जो एक्सपेंसेस है ऑफिस वगैरह, तो वो एक्सपेंसेस कम हो रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यू वो भी और बढ़ रहा है, यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ ये हमें नज़र आ रहा है। तो जिस कारण हमने देखा है कि मार्केट में कितने भी लॉकडाउन हो जाए इंडिया के अंदर, आईटी सेक्टर के ऊपर कोई भी उसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए ये तो न्यूज़ की बात हो गया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है एंड रिजल्ट के लिए भी हम सभी का वेट रहेगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर है, आप ध्यान से सुनना दोस्तों आप, और यहाँ पे ऑब्जर्व करना जो जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है विप्रो के अंदर आपका रणनीति। बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। RSI इंडेक्स चल रहा है आज की डेट पे 45 के आसपास, यानी न्यूट्रल जोन के आसपास चल रहा है। लास्ट टाइम जब जून के महीने पे विप्रो ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 564 रुपये, उसके बाद से देखिए इसके अंदर धीरे धीरे कोई बहुत बड़ा कोई शार्प गिरावट देखने को नहीं मिला, बल्कि धीरे धीरे देखिए गिरावट हमें देखने को मिला। हर रोज़ ऐसे ही 2.3 पॉइंट करके गिर रहा है, एकदम से नहीं गिर रहा है। तो अभी इन्वेस्टर्स के मन में सवाल आ रहा है कि यह कहाँ तक जाके रुकेगा, वो तो मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट लेवल। बट उसके पहले एक चीज़ आपको मैं बोलूँगा, चाहे आपके पास कोई भी लेवल पे शेयर है, आँख बंद करके विप्रो के अंदर आप होल्ड करें। गलती से सेल करने का गलती मत करना, अगर आप लॉस में भी आज की डेट में तो भी होल्ड करें, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम इसी रेंज पे नहीं रहने वाला। चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ आपके सवाल को। देखिए ये है विप्रो का 6 महीने का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। थोड़े पीछे आ जाइए, जब विप्रो का शेयर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 400 का लेवल क्रॉस करके यहाँ पे देखिए 450 का लेवल टच किया था जनवरी के महीने पे, राइट, जनवरी की सेकेंड वीक के। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ठीक सेम चीज़ आज की डेट में जो चीज़ विप्रो के शेयर में चल रहा है सेम चीज़ हमें देखने को मिला था, एक लंबा पीरियड इसके अंदर हमें कंसोलिडेशन फेज। बट देखिए जब कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था क्वार्टर फोर का, उसके आसपास देखिए शेयर के अंदर फिर से हमें तेज़ी देखने को मिला एंड शेयर प्राइस कहाँ से पहुँच गया, ठीक 400 रुपये से पहुँच गया, कहाँ पे 560। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए, विप्रो शेयर का अगर आपने चलने का पैटर्न समझ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से समझ जाओगे, विप्रो का शेयर हर 100 पॉइंट या 150 पॉइंट जब जंप लगाता है उसके ठीक बाद 50 पॉइंट के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है विप्रो के शेयर में। ये ठीक आज की नहीं, ये बहुत पुराने, अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखो तब भी आपको सेम चीज़ नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा पीछे आ जाइए, सितंबर के महीने जब विप्रो के शेयर के अंदर तेज़ी आया था, कहाँ तक 270 से शेयर प्राइस भागा था, देखिए कहाँ तक, ठीक 375 तक, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का जंप। उसके बाद देखिए फिर से इसके अंदर में 50 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिला, फिर देखिए शेयर जंप लगाया, कहाँ से जंप लगाया 350 से 450 तक, हाँ तो फिर से 100 पॉइंट का जंप। इस बार देखिए जो प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस कर ऊपर चला गया, नया हाई बनाया, उसके बाद देखिए जब करेक्शन आया आप देख फिर से देखिए 50 पॉइंट का करेक्शन, 450 से शेयर करेक्ट हुआ 400 तक। तब मैं आपको बहुत बार वीडियो बनाया था कि शेयर को उठाइए, जो लोग उस टाइम पर वीडियो देख के उठाया था उनको पता है आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है। अब देखिए इस बार दोस्तों 100 नहीं, सीधा सीधा 150 पॉइंट का जंप लगाया, तो इस बार अगर करेक्शन हो सकता है तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी 10 ज़्यादा डाल दिया, 510 से 520 ये जो रेंज है इसके अंदर विप्रो को शेयर को सपोर्ट मिलने का चांस सबसे ज़्यादा है। इसी रेंज के आसपास चाहे 505, 515, 520 इसी रेंज के आसपास अगर आपको शेयर मिले तो बिना किसी डाउट के फटाफट शेयर को उठाना लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम आपको 5 साल होल्ड करना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, मैक्सिमम तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि देखिए टेम्पोरेरी बेसिस के ऊपर मार्केट वॉलेटाइल है, अगर गिरावट आया थर्ड वेव की वजह से तो छोटा मोटा गिरावट जरूर आ सकता है, बट आप यहाँ पे थोड़ा पेशेंसली होल्ड करना और जो लेवल मैं आपको बताया 510 से 520 उसी लेवल पे आपको बेस्ट बाइंग लेवल मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, उसके नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल है 500 रुपये ब्रेक करके आना। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज़ जो कि 15th अप्रैल एंड 14th अप्रैल दोनों ही दिन विप्रो के शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपका बाइंग लेवल भी बता दिया, रणनीति भी बता दिया। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।